बिजनौर के गंज में एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला का पति गंज में दांतों का अस्पताल चलाता है। मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की चौकी विदुरकोटी गंज में प्रीति सैनी नाम की एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला का पति आकाश सैनी गंज में ही दांतों का अस्पताल चलाता है। मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। प्रीति सैनी की शादी आकाश सैनी से 3 वर्ष पूर्व ही हुई थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं। मौके पर थाना कोतवाली शहर से पुलिस पहुंच गई है। पति को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भाई साहब, गंज में एक सुसाइड का मामला आया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, यहाँ गंज बस स्टैंड पे एक डॉक्टर आकाश सैनी के नाम से उसकी दुकान है दांतों के अस्पताल की, तो उनकी वाइफ प्रीति सैनी है, उन्होंने सुना है कि आत्महत्या कर ली। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी, तो उसके आधार पर जो है बिजनौर पुलिस भी आई, CO सिटी अनिल कुमार जी भी आए मौके पर, और इन्हें जो है अपना बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया गया है। कहा जाता है कि इसकी शादी 3 वर्ष पूर्व हुई थी, ग्राम नंदपुर नगीना के रहने वाले हैं और यहाँ गंज में जो है आके अपना अस्पताल चलाते थे। कितने बच्चे? दो बच्चे हैं इनके। कुछ पता चल रहा है कि क्यों सुसाइड किया? नहीं, इसका इस बात का कोई पता नहीं चल पा रहा है कि किस बात क्या बात थी। पुलिस ने आरोपियों को आरोपियों तो उनके परिवार वाले कोई पहुंचा ही नहीं है मौके पर। अच्छा, महिला के परिवार वाले मौके पर नहीं आए। पुलिस ने पति को अरेस्ट कर लिया है, फिलहाल पूछताछ के लिए ले गई है।